to it on radio and all of that. But एक चीज जरूर है जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी. एक गाना है जो कि मोहित चौहान ने गाया है, जिसकी कुछ लाइनें अदिति बॉल ने यहाँ पर गाई भी थी. So मोहित चौहान could not make it to this event this evening, but he was sweet enough to actually send a message across. So there's a small video bite from Mohit Chauhan. Can we play that for all the lovely media members, please? ये शूट, ये जो फिल्म थी, हमने इसे शूट किया था थाईलैंड में, और थाईलैंड है इतनी खूबसूरत जगह. तो मैं, मुझे पता था कि लुक तो अच्छा होगा ही, एंड सब जो हीरोइंस भी है बहुत खूबसूरत है यार. अद्विक भी हैंडसम है, मैं भी ठीक ठाक ही लगता हूँ, तो फिल्म का लुक अच्छा है. एंड जो बाकी का जो ड्रामा है, वो केमिस्ट्री जो है, वो उभर कर आ जाए एंड ऑडियंस कनेक्ट करता है. देखिए, मेरे साथ एक कॉलेज में हुआ था कि मैंने खुद ने यू टर्न लिया था, पर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो नो एंट्री बन चुकी थी. इस फिल्म के गाने हमने ना काफ़ी आइलैंड्स पर शूट किए थे, एंड वो आइलैंड्स एकदम आइसोलेटेड थे, 45 मिनट्स बाई स्पीड बोट थे. तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर मैं ये फिल्म नहीं कर रहा होता तो मुझे कभी मौका भी नहीं मिलता ऐसे लोकेशन पर जाने का, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं था. इट वॉज जस्ट एन आइलैंड. बहुत खूबसूरत बीच था, बहुत अच्छा पानी था, एंड ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था इन गानों को शूट करने का जो मेरे हिसाब से हमेशा रहेगा मेरे साथ. ओवरऑल तो आई थिंक, मैं तो प्रे करता हूँ कि जितनी भी मेरी फिल्में हो या जो भी मुझे काम मिले वो फॉरेन में मिले,
कई अच्छे लोकेशन में मिले, तो वहाँ की जो हवा होती है, खाना होता है, वहाँ पर शूट करने का मजा ही अलग होता है। आपके फैमिली मेंबर ने अगर ट्रेलर देखा, आपकी मैडम ने अगर ट्रेलर देखा, ऑनेस्टली ना मैंने मैडम को ट्रेलर दिखाया नहीं है, क्योंकि उसकी शुरुआत में ना एक स्मूच का सीन दिखा दिया है इन्होंने। हाँ, तो मैं डर रहा हूँ। कब दिखाएंगे तो पता नहीं, मैं अभी तक तो मैंने तो, देख लेंगी वो। तो जब देख लेंगी वो देख लेंगी, बट मैं खुद क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच, इतने साल हो गए हैं, मैं जो काम, मैं जो कुछ भी करता हूँ, मैं ऐड भी करता हूँ या टीवी करता हूँ, फिल्म करता हूँ, वेब करता हूँ, हमेशा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो मैं इस वक्त तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि थैंक यू वेरी मच अपने प्यार के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, क्योंकि और कुछ मांगना ज़्यादा हो जाएगा। जी, आने वाले दिनों में साल 2020 भी आ रहा है, 2020 में और क्या कुछ हमें आपको देखने को मिलेगा? आई थिंक कल मेरी एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, जो हर्षपुरी है ना, मुझे नाम देखने को, पता है क्या है उस फिल्म का नाम? देखती है क्या नाम है? ये साली आशिकी। तो कल ये साली आशिकी का ट्रेलर लॉन्च है, हाँ, और उसमें मैं सेकंड हीरो हूँ, तो मेरी एंट्री इंटरवल के बाद होती है। हाँ, तरन आदर्श सर ने डाला है, तो वो हर्ष पुरी जो है वो मेरी फ्रेंड है एंड उनकी डेब्यू फिल्म, बट मेरी जो सेकंड हीरो होता है तो वो रोल कर रहा हूँ मैं। सैटरडे आप अपनी और दूसरी फिल्म का? हाँ, आई थिंक कोइंसिडेंटली सब कुछ एक साथ आ गया है, तो अच्छी बात है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या मुझे पता भी नहीं था कि फिल्मों का ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि वो रिलीज़ कब होगी, आप शूट करते हैं, डब करते हैं, फिर भूल जाते हैं। एंड टीवी का ऐसा होता है कि आपको एकदम पता होता है, क्योंकि आप सेट पर पहुँचते हैं तो बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो, कल का टेलीकास्ट है।